हरियाणा में ठंड को देखते हुए स्कूलों में 6 दिन का शीतकालीन अवकाश शिक्षा विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया है। 22 जनवरी को रविवार होने के कारण स्कूल 23 जनवरी को सोमवार को पूर्व की भांति खोले जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले हरियाणा के शिक्षा विभाग ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों में विंटर वेकेशनल के ऑर्डर जारी किए हुए थे। इस साल ठंड को देखते हुए सरकार ने विंटर लीव बढ़ाने का फैसला लिया है। यह पहली बार होगा कि हरियाणा में 22 दिन तक लगातार शीतकालीन अवकाश किया गया हो। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा भी हो चुकी है। छुट्टियों के कारण 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की तैयारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए स्कूल आना होगा। बोर्ड परीक्षार्थियों की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कक्षाएं लगाई जाएंगी। साथ ही अवकाश के दौरान आने वाले शिक्षकों को बदले में अर्जित अवकाश दिए जाने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में ठंड को देखते हुए स्कूलों में 6 दिन का शीतकालीन अवकाश शिक्षा विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया है। 22 जनवरी को रविवार होने के कारण स्कूल 23 जनवरी को सोमवार को पूर्व की भांति खोले जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। बता दें कि इससे पहले हरियाणा के शिक्षा विभाग ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों में विंटर वेकेशनल के ऑर्डर जारी किए हुए थे। इस साल ठंड को देखते हुए सरकार ने विंटर लीव बढ़ाने का फैसला लिया है। यह पहली बार होगा कि हरियाणा में 22 दिन तक लगातार शीतकालीन अवकाश किया गया हो। हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा भी हो चुकी है। छुट्टियों के कारण 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की तैयारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसलिए स्कूल आना होगा। बोर्ड परीक्षार्थियों की सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कक्षाएं लगाई जाएंगी। साथ ही अवकाश के दौरान आने वाले शिक्षकों को बदले में अर्जित अवकाश दिए जाने का फैसला लिया गया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।